सच साहस सरोकार। छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर सियासत, नितिन नवीन के बयान पर सीएम भूपेश का पलटवार। भिलाई के रूंगटा कॉलेज के छात्रों ने बनाई अनोखी डिवाइस, दिमाग में चलने वाले चीजों की देगा जानकारी। बेमित्रा में किसान नेता के साथ किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपे आवेदन। दंतेवाड़ा में डीएवी स्कूल में राज्योत्सव पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने दी विभिन्न कार्यक्रम की प्रस्तुति। जांजगीर चांपा में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, घटना के बाद सभी आरोपी फरार, तलाश जारी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन के मूर्ति लगाने में कुछ नहीं होगा वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या, और प्रदेश का अपना अपना एक गौरव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई गई है, सभी जिला मुख्यालयों में यह मूर्ति लगाई जाएगी। हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी को मां के रूप में देखते हैं, उन्हीं का नारा भी लगाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। भारत माता हम सब की माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हम सब की माता है। छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या, और हर प्रदेश का अपना गौरव है, और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज कल रायपुर में हम लोगों ने लगाया है, सभी जिले मुख्यालय में ये मूर्ति लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में, माँ के रूप में हम लोग देखते हैं और उसी का नारा भी लगाते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की हम लोग पूजा करते हैं। और ये तो छत्तीसगढ़ है, भारत माता की दुलोरिन बेटी है छत्तीसगढ़। और जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है। और उसका विरोध करते हैं, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। बेमित्रा में दर्जनों किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव को इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाए जाने को लेकर मांग पत्र सौंपे। इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे से जिले के सभी धान समितियों में धान की तौल की जाए। इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मांग 3 सालों से की जा रही है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिए हैं। अगर सरकार कांटा का व्यवस्था नहीं कर पाती है तो हम मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था करेंगे। किसानों की मांग को लेकर आए थे, पिछले 3 साल से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसानों की धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटा के माध्यम से होना चाहिए। चूंकि कांग्रेस सरकार है, बोलते हैं कि कांग्रेस के हित की बात करते हैं, लेकिन आज देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर अहित किसी का काम हो रहा है तो किसान का हो रहा है। किसान का आज धान जहाँ डंडी मारा जा रहा, 3-3, 4-4 किलो एक्सेस धान लिया जा रहा, बार बार आवाज़ उठाई जा रही, फिर भी सरकार की उस ओर ध्यान नहीं जा रही है। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात करके हम लोगों ने निवेदन किया है कि किसानों का जब सोसाइटी में धान खरीदी शुरू हो चुकी है 1 नवंबर से, तो धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटा से होना चाहिए। अगर सरकार अगर अक्षम है, नहीं खरीद सकती है इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तो हम लोग फिर प्रयास करके उसको लगाने का प्रयास करेंगे। भिलाई के रूंगटा कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के फैकल्टीज ने एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक की सहायता से व्यक्ति के भाव और बोलचाल के तरीके से पता लगा लेगा कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या वो आत्महत्या करने का कदम उठा सकता है। पेटेंट के बाद इसे अस्पतालों, स्कूल कॉलेजों में भेजा जाएगा, जिसके बाद आत्महत्या के मामलों में कमी लाई जा सकती है।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 2 नवंबर को दंतेवाड़ा के डीएवी स्कूल कुम्हार रास में राजोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्साहित विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम किए। स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए। स्कूल के प्राचार्य अमित बरन बोस ने राज्य के 22वीं स्थापना पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज वन संपदा में परिपूर्ण एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ की संस्कृति काफी समृद्ध है, छक की अस्मिता और इसके विकास में हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। जांजगीर चांपा में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। हमले में पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे और एएसआई शिवचंद्रा घायल हो गए और वहीं पामगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद थाना प्रभारी और एएसआई को किया गया बलरामपुर रिफर कर दिया गया। इस घटना को एक दर्जन से अधिक लोगों ने अंजाम दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सरगुजा जिले में ठगी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार रांची की एक कंपनी के द्वारा वाहन खरीदी पर 40% की छूट का झांसा देकर करीब 400 लोगों से 12 करोड़ ठगी करने का मामला संज्ञान में आया है। सरगुजा जिले के पीड़ितों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने बताया है कि रांची की मल्लिका अर्जुन ट्रेंडिंग प्राइवेट कंपनी के खिलाफ वाहन खरीदी में 40% की छूट का झांसा देकर ठगी का आरोप लगाया गया है। पीड़ित लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कंपनी के चेयरमैन अर्जुन को ठगी के शिकार लोगों की सूचना पर बलरामपुर जिले में नाकेबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया है। ये मामला मल्लिकार्जुन ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो कि रांची में रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से यह बोला गया था कि आप गाड़ी फाइनेंस कराएं और गाड़ी फाइनेंस कराने के समय आप जो भी डाउन पेमेंट करना है उसका 30% करें और शेष 30% हमको दे दें और उसके अलावा बचा हुआ 40% जो है उसके साथ में पूरा जितना भी इंस्टॉलमेंट करना है उसके उसको हम लोग पे करेंगे। तो शुरू में कुछ पेमेंट किया भी गया कंपनी के द्वारा, वर्तमान में लंबे समय से अभी पेमेंट करना बंद कर दिया गया कंपनी के द्वारा। इस कारण से जितने भी कस्टमर्स थे जिनके द्वारा गाड़ी इशू कराया गया था उनके द्वारा आकर शिकायत दी गई है और शिकायत को भी जांच में रख लिया गया है, उसमें जांच उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। भिलाई में एक जघन्य हत्याकांड का मामला देखने को मिला है, जहां भिलाई में रहकर म्यूजिक एल्बम बनाने वाले एक युवक को 6 आरोपियों ने अपहरण कर हत्या की और उसकी लाश को 10 से अधिक टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। एक हिस्सा तो घटनास्थल से 150 किलोमीटर दूर महासमुंद के जंगलों में ढूंढ कर निकाला गया। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने आपसी रंजिश और पैसों के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही 72 की कड़ी मशक्कत के बाद हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, नकली पिस्टल और मृतक की स्कूटी भी बरामद की है। नाराजगी में उन लोगों ने नशे की हालत में इसकी पिटाई की, पिटाई में मर जाने पे उसको काट के फेंक दिया। पुलिस द्वारा बहुत ही सूक्ष्म जांच और टेक्निकल जांच के कारण 2 दिन की मेहनत के बाद इस केस को सॉल्व किया गया है और जो दुर्यंत आरोपी हैं जो कि लगातार 15 से 20 गांव में अपने कर्मों से वहां पे भय का माहौल बनाए हुए थे, 10 में से 6 को पकड़ने में सफल हुए, बाकी 4 लोग फरार हैं, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।